on. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ड ऑफ पोल्ट्री यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अबूबकर नईम। आज हम डिस्कस करेंगे कॉयल। कॉयल को जो है वो रेयर किया जाता है मीट पर्पज़ के लिए, ठीक है। इसकी काफ़ी फार्मिंग जो है वो ट्रेंड पकड़ती जा रही है। इसका साइंटिफिक नेम है कुटर्निस। और इसके अगर ब्रीडिंग सीजन की बात करें तो ब्रीडिंग सीजन इसका अप्रैल टू अगस्त है। इस दौरान जो है ये ब्रीड करता है। मेल टू फीमेल रेशो की बात करें तो वो 1:3 है। इसी तरह अब अगर हम बात करें इसके क्लच साइज़ की, तो क्लच साइज़ 12-16 एग्स है। और अब अगर इसके हम बॉडी एग वेट की बात करें तो एवरेज एग वेट जो है इसका 10 ग्राम होता है, ठीक है। इसी तरह इसके अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 17-18 डेज होता है। मींस के 17-18 डेज के बाद जो है वो इसका चिक जो है वो हैच होता है। एज और सेक्सुअल मैच्योरिटी इसकी जो है वो 7 to 8 वीक होती है, मींस के जब ये एग देना स्टार्ट करता है। बॉडी वेट की बात करें तो बॉडी वेट मेल अडल्ट मेल का 100-140 ग्राम और फीमेल का 120-160 ग्राम के राउंड अबाउट होता है, ठीक है। और अब इसके ब्रीडिंग टेम्परेचर की बात करें तो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 32.22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है समर के अंदर ब्रीडिंग के दौरान, और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया जाता है विंटर्स के अंदर, ठीक है, जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। तो जैसे पहले बताया, इसको मीट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी फार्मिंग जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पकड़ती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पकड़ चुकी है। तो इसकी सारी मैनेजमेंट, इसकी सारी फार्मिंग, इंशाल्लाह उसको हम अगर अपने फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।